फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए भिन्न बताएंगे। देखिए भिन्न जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, जिसको हम उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और बने रहिए हमारे इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। हम लोग भिन्न को जान लेते हैं कि वास्तव में भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न वो होता है जो हमारा पी बटे क्यू के रूप में रहे, अर्थात अंश व हर के रूप में हो, ठीक है। जो हमारा पी बटे क्यू के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी कि जो हमारा अंश और हर के रूप में हो। तो हमको ये मालूम हो गया भिन्न हमारा कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा उचित भिन्न जान लेते हैं। देखिए उचित भिन्न हम उसे कहते हैं, उचित भिन्न, ठीक है। तो उचित भिन्न हमारा वो भिन्न होता है जिसका अंश कम हो और हर हमारा अधिक हो। मैंने क्या बोला, जिसका अंश जो हमारा हो कम हो और हर हमारा क्या हो, अधिक हो, इसको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, जैसे हो गया 4/5 या हमारे दे दिया 8/9 या हमारे दे दिया 7/9 या दे दिया 20/30। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी भिन्न दे दिया और हमसे ये पूछ लिया गया कि हमारा कौन सा भिन्न है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंश और हर को, कि इसके अंश में कौन अधिक है, कि हर अधिक है या अंश अधिक है। तो इस प्रकार से अगर हमारा अंश कम है और हर अधिक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न। आइए चलते हैं इसी तरह हम अनुचित भिन्न के बारे में जानते हैं। देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। अनुचित भिन्न जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जिस भिन्न में अंश का मान अधिक हो और हर का मान कम हो, वो हमारा कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। मैंने क्या बोला, जिस भिन्न में अंश का मान अधिक हो और हर का मान कम हो, वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 5/3 दे दिया, 8/2 मान लीजिए 1 दे दिया, 4/1 दे दिया या फिर दे दिया 5/3। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जिसका अंश अधिक है और हर कम है, ये हमारी कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न। तो इसी प्रकार हम आगे भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, देखिए मिश्रित भिन्न जो होता है वो हमारा सही के रूप में होता है, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न हमारा क्या होता है, सही के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया 2/1/2, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4/5/3, फिर दे दिया 6/8/2 या फिर किसी भी प्रकार से इस प्रकार से हमारा भिन्न दे दिया, तो यह हमारा कौन सी भिन्न हो गई, यह हमारा मिश्रित भिन्न हो गई, ठीक है ना। हमने तीनों में इसका अंतर जान लिया कि उचित किसे कहते हैं, अनुचित और मिश्रित। एक बार हम फिर शुरुआत कर देते हैं। उचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका अंश क्या हो, कम हो और हर हमारा क्या हो, अधिक हो। और अनुचित उसे कहते हैं जिसका अंश अधिक हो और हर कम हो। और मिश्रित उसे कहते हैं जो हमारा भिन्न सही के रूप में हो। तो एक प्रकार का और भिन्न होता है जिसको हम जान लेते हैं, आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये एक प्रकार की भिन्न है जिसका नाम है सतत भिन्न। तो इस ये किस प्रकार की भिन्न होती है, आइए इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 1/1, मान लीजिए इस प्रकार का हम आपको भिन्न दे दिया, तो इसको हम किस तरह, इसका नाम क्या जानेंगे, इसको हम कहते हैं सतत भिन्न। तो इसको कैसे सॉल्व होता है, आइए इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये भिन्न दे दिया, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व ऊपर से नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसको नीचे से सॉल्व करते हुए वहाँ तक जाएंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया है
ये सब हमारा दे दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे का यहाँ पर हर का मान यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका तिरेक गुणा कर देंगे, तो चार एक चार, चार और में दो जोड़ेंगे, यानी कि चार एक चार और चार और दो छः, यानी कि कितना हो गया हमारा छः बटा चार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे उसी तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वन प्लस वन अपान टू, फिर वन प्लस थ्री, फिर वन प्लस, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे चार एक चार और चार और दो छः, यानी कि छः बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे छः बटा चार हो जाएगा, ठीक है ना। अब छः बटा चार, अब देखिए ये जो हमारी पोर्शन है ये हमारा किस में चला जाएगा, इस पे, क्योंकि ये मेन बटा है और इसके बटे छः बटे चार है, तो ये हमारी ये अंश और हर है, तो ये हर किस में चला जाएगा अंश में, ठीक है ना। आइए हम इसको आगे देख लेते हैं, अब क्या हो जाएगा हमारा वन प्लस वन अपान टू हो जाएगा, फिर वन प्लस इस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि चार त्याई बारह, यहाँ पर क्या हो जाएगा बारह बट्टा छः, और यहाँ पर वन प्लस इसको रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेप हो गया, अब फिर इसको आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं, अब देखिए इसको, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो छः है, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ तिरेक गुणा होगा, बताइए छः कम छः और बारह छः अट्ठारह, अट्ठारह बटा छः, तो ये हमारा छः किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा बारह। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वन प्लस वन बटा वन प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा छः दुनी यानी बारह बटा अट्ठारह, ठीक है, आपको समझ में आया। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए छः एक कम छः, ठीक है ना, और बारह छः अट्ठारह, यहाँ पे हो जाएगा अट्ठारह बटा छः। जब अट्ठारह बटा छः था तो ये छः वाला नीचे पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये छः इसमें चला जाएगा, छः दूनी बारह, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बारह बटा, और यहाँ पर अट्ठारह था, अट्ठारह हो गया। अब आगे देख लेते हैं स्टेप, अब देखिए वन प्लस, अब देखिए अट्ठारह के अठारह और अट्ठारह और बारह हम जोड़ देंगे कितना जाएगा तीस, तो तीस बटा अठारह हो जाएगा, तो अठारह इसमें चला जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ कितना जाएगा अठारह बटा तीस। तो या फिर क्या करेंगे तीस सेकेंड तीस, तीस और अठारह जोड़ देंगे कितना हो जाएगा अड़तालीस, और अड़तालीस हमारा कितना हो जाएगा अड़तालीस बटा तीस। तो इसको हम सरल कर देते हैं, मान लीजिए चार से काट देते हैं, नहीं चार से नहीं कटेगा, दो से कटेगा, दो दूनी चार दोनों अट्ठारह, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पंद्रह दुना तीस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं सतत द्विबिंदु को हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं, अगला है भिन्नों की पहचान। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है किससे, कौन सी भिन्न किससे छोटी है। तो इस प्रकार हमें चार पांच भिन्न अगर हमको दे दिया जाता है, इसी में पहचानना पड़ता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी, तो इसको हम किस प्रकार पहचानेंगे, आइए हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में हमको दे दिया कि चार बटे पाँच, छः बटे दो, आठ बटे चार और सात बटे पाँच। तो इस प्रकार से हमें तीन चार भिन्न दे दिया गया और हमसे ये पूछ लिया गया कि इसमें से कौन कौन भिन्न किससे बड़ी है, या फिर कह दिया गया कौन किससे बड़ी है, या ये पूछ लिया गया कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है, सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमसे पूछ लिया गया, अब हमको ये नहीं पता कि हम इसको कैसे जानेंगे कि कौन भिन्न किससे बड़ी है, तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख कर बता सकते हैं कि कौन किससे बड़ी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम दो भिन्न आपस में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिया चार बटे पाँच और यहाँ पर ले लिया छः बटे दो, ठीक है ना। अब इसका हम तिरेक गुणा कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे तिरेक गुणा। अब यहाँ देखिए दो चौका आठ, यहाँ पे हम लोग ये देख लिए, यहाँ पे इसका मतलब इसका हो गया आठ और यहाँ पे क्या हो गया पाँच छका तीस, यानी कि इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसके पोर्शन पे इसका मान घात ज़्यादा है, इस प्रकार से ये इससे ये भिन्न इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे हम छः बटे दो को इससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे हम कंपेयर कर लिए। अब क्या करेंगे तो चार छका चौबीस, यहाँ पे इसका चौबीस हो जाएगा और यहाँ पे दो अट्ठे सोलह। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इससे भिन्न ये बड़ी है, यानी कि छः बटा दो इससे भी बड़ी है। यहाँ पे अब हम छः बटे दो का इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाँच छका
तीस और यहाँ पे क्या हो गया 233, 14। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारी जो 6/2 वाली भिन्न है सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है ना। इन सबसे सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 6/2। तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 6/2।